सो हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे चैनल सर्वाइवल शूटर पर। आज हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं लास्ट डे ऑफ रूल्स। तो थंबनेल और टॉपिक देख के आपको पता चल गया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्पेयर कैसे फार्म करें। तो अमनदीप ने मेरे को कमेंट किया था कि हम स्पेयर कैसे फार्म करें, तो इनके लिए पर्सनली वीडियो बनाने जा रहा हूँ। चलो गाइज वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आज का हम है ना पहला देते हैं शॉर्ट आउट। आज का हमारा पहला शॉर्ट आउट जाता है वो जाता है ओपी ब्रदर गेमिंग को, और हमारा दूसरा शॉर्ट आउट जाता है वो जाता है पोटेरी लवर यूट्यूब, और हमारा तीसरा शॉर्ट आउट जाता है वो जाता है नेक्सन गेमर। हमारे ये आज के तीनों शॉर्ट आउट हो गए हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज हमको इस पर फार्म करना है, तो देखो मटसेट लेना, और पहला ट्रिक है कि सड़क पर आ जाना और यहाँ से ड्रम तोड़ते रहना। इनमें से हमको दो दो स्पेयर मिलते रहते हैं, तो ऐसे आप आधा घंटा फार्म करोगे तो आपके पास 700-800 स्पेयर हो जाएंगे। अगर आधा घंटा ओनली इतना फार्म करना पड़ेगा भाई, मेहनत थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। ये है हमारा पहला ट्रिक। तो मैं आज बता देता हूँ, मैं यहाँ से लेकर काफ़ी दूर तक फार्म किया, मैं बीच से वीडियो कर लेता हूँ, बाद मेरे पास कितने स्पेयर हुए बता दें। मैंने वहाँ से फार्म करता करता बायो रिचर्स लेब आ गया। तो बायो रिचर्स लेब में यहाँ पर है ना सब सारा सामान है ना मेरे पास एक्स्ट्रा है, जो मेरे को नहीं चाहिए वो सारा मैं यहाँ पर डिसमेंटल करूँगा। तो डिसमेंटल करने पर हमको स्पेयर ज़्यादा मिल जाते हैं। पहली ट्रिक है हमको फार्मिंग करना, और फार्मिंग के साथ जो सामान मिले वो सारा सामान डिसमेंटल कर दो। यहाँ पर ये डिसमेंटल मशीन लगी हुई है, तो यहाँ पर आप जो आपको नहीं चाहिए वो सारा डाल दो। यहाँ पर देखो मैकेनिकल गेयर है, स्पेयरिंग है, और बेडल है, इन सारे से है ना हमको स्पेयर मिलता है, और आयरन प्लेट है, इन सब से हमको मिलता है स्पेयर। मैंने यहाँ पर सारा सामान धीरे धीरे करके डिसमेंटल कर दिया है। 1 से 10 स्पेयर मिलता है हमको, ये को तोड़ने पर, ये को डिसमेंटल में होने पर 10 स्पेयर मिलता है हमको। यहाँ पर मास्क लगा के आना चाहिए, नहीं तो हमारी ऑल डाउन हो जाती है। मैंने धीरे धीरे सारा सामान है ना एक साथ डिसमेंटल कर लिया है, और है ना मेरे फ्रेंड ने मेरे से काफ़ी सामान मांगा, तो मैंने उसको भी थोड़ा बहुत सामान दे दिया, क्योंकि उसको चाहिए था गन बनाने के लिए, तो मैंने उसको दे दिया, इसीलिए थोड़ा बहुत स्पेयर मेरा कम हुआ, नहीं तो मेरा बहुत सारा स्पेयर हो जाता। ये देखो सारा सामान मैंने डिसमेंटल कर लिया वहाँ से, तो मेरे को 456 स्पेयर हो गया टोटल। और गई जब है ना डेली मिशन में जाना, और डेली मिशन का है ना 50 स्पेयर होता है, वो डेली का क्लेम कर लेना। तो ये भी आपके लिए 50 स्पेयर मुफ्त में मिल रहा है फ्री में, तो इसको छोड़ना नहीं लेने का। और मैं अब आ चुका हूँ रूम ओपन करने, यहाँ पर है ना मिलिट्री बेस में रूम ओपन करने। रूम ओपन करने जाते हैं तो हमको सबसे ज़्यादा स्पेयर मिलता है वहाँ पर। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड वाला है वो है पर्पल रूम, एंड जो हमारे एकदम सामने है ये है ब्लू रूम, और ग्रीन रूम है वो है पीछे की साइड। तो मैं वीडियो बड़ा नहीं करूँगा इसलिए वीडियो कट कर लेता हूँ। तो पहले हमको चाहिए ग्रीन कार्ड ग्रीन रूम ओपन करने, तो हमको यहाँ पर देखो ये ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। मैं देख लेना मेरी लोकेशन, सामने देखो एक सप्लाई चेस्ट है, तो उसको भी तोड़ देते हैं। मैं वीडियो को फास्ट फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को छोटे वीडियो में पूरा पूरा समझना है, ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करने का है। इसको तोड़ लेना, यहाँ से जो भी मिले वो काम का आइटम है हमारे लिए। सामने की तरफ, जस्ट सामने की तरफ है ग्रीन रूम, यहाँ पर जो अवेंजर है उनसे बच के रहने का, नहीं तो वो बहुत डैमेज देते हैं, वो मार देते हैं। आप अकेले आने में तो अपने फ्रेंड के साथ आना, ताकि आपको कवर मिलता रहे। इसको मेडिकेट चाहिए लगता है, क्या चाहिए वो मेरे को दे रहा है। चलो मैं अभी मार लेता हूँ। सामने की तरफ वो है, वो वहाँ पर है ग्रीन रूम। मैं वीडियो बहुत कट करके भी इसमें फास्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर है ग्रीन रूम का वो वायर डालने का जनरेटर, ये जनरेटर का इसके ऊपर है सप्लाई चेस्ट, तो इसको भी लूट लेते हैं पहले। सप्लाई चेस्ट लूटने से हमको स्पेयर थोड़ा ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इसके अंदर मैकेनिकल गियर मिल जाए 2-4, तो उससे भी मिल जाता है। आयरन प्लेट मिली हमको, काफ़ी मिल गया। वहाँ से मैंने डाल दिया वो वायर डाल दिया, और यहाँ से ग्रीन रूम ओपन कर लिया, तो ग्रीन रूम में मेरे को मिल गया ब्लू रूम। ग्रीन रूम ओपन करोगे आपको ब्लू रूम मिलेगा। ये सारा सामान उठा लो यहाँ से, और मैंने वहाँ से ब्लू रूम भी ओपन कर लिया। पीछे डालना पड़ता है वायर, बाद में ओपन करना। यहाँ से मेरे को मिल गया पर्पल रूम, तो मैं ना इसको भी लूट लेता हूँ। आप पहले वायर डालना, बाद में लूटना। वायर नीचे की साइड डाला जाता है, एक जनरेटर जैसा होता है उसके अंदर वायर डालना पड़ता है। और यहाँ से मैंने इसको ब्लू रूम को भी लूट लिया, काफ़ी लूट मिल गया मेरे को यहाँ से। वहाँ पर मैंने पर्पल रूम में देखा, तो पर्पल रूम में कोई लूट नहीं था, तो मैं आ गया ब्रांडेड कैंप, और यहाँ से सारा सामान लूट लेता हूँ।
ये मेरे को लुइस गन भी मिल गई, बहुत सही। इसको मैं बेचूंगा 2000 स्पेयर में बेचूंगा, आराम से बिक जाएगी मेरी। चलो यहाँ से है ना, ये सामने एवेंजर है, इसको मार लेते हैं। इसको मार के पीछे है ना एमओ सेस्ट है, उसको भी लूट लेता हूँ। आपको जो भी रूम ओपन में सामान मिले, जो चाहिए वो लेके आओ, बाकी का सारा सामान डिसमेंटल कर लो। आपको स्पेयर मिल जाएगा, बहुत अच्छा स्पेयर मिल जाएगा। मेरे को रूम ओपन करने में 10-15 मिनट लगेगा। और वो मिलिट्री बेस का सामान है, वो भी मैंने अपने साथ में रखा। और यहाँ पर डिसमेंटल मशीन है, तो इसके अंदर सारा सामान डाल दो और पूरा पूरा सामान डिसमेंटल कर दो। तो मैंने पूरा सामान डिसमेंटल कर लिया है काफ़ी हद तक। ये रूम कार्डर का मेरे को मिल गए 837 स्पेयर, और उसमें से भी मैंने थोड़े बहुत है ना आइटम मेरे फ्रेंड को दे दिए। तो ऐसे करके रूम ओपन मैंने 10 मिनट में 800 स्पेयर लेके आ गया। मैंने अपनी शॉप में ये सामान डाल दिया है, जो कि मेरे को रूम ओपन करने में ये सामान मिला था। और वो सामान कुछ घंटों बाद मेरा सेल भी हो गया सारा का सारा, 2-4 घंटे रुके। तो अभी मेरे 6000 स्पेयर हैं अंदर, तो ये स्पेयर मैंने ले लिए। वहाँ पर सामान आप सारा स्पेयर में डालना, कोई दूसरी आइटम में डालना। स्पेयर फार्म करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। आप पहले जाना रॉड फार्मिंग करने, रॉड फार्मिंग से वायर मिलेगा, वायर से आप करना रूम ओपन, और रूम ओपन से जो भी सामान मिले उसको डिसमेंटल कर देना, और जो भी गन एंड स्कोप मिले उसको अपनी शॉप में सेल कर देना। तो सबसे अच्छा तरीका यही है। तो गाइज, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करना और मैं वीडियो बना दूंगा। वीडियो बनाने में मेरे को 1-2 दिन टाइम लगेगा, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो 1 दिन में बनाकर तैयार कर दूंगा। इस वाले वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।